हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हरियन के पहले अफोरिज्म का डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में देखते हैं। अफोरिज्म 1। द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। सो एक्सप्लेनेशन, हरियन ने अपने पहले अफोरिज्म में डॉक्टर के काम का क्लियर गोल डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बीमार इंसान को सेहतमंद बनना। इसको हम क्योर यानी उपचार कहते हैं। डॉक्टर हनीमन ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर का प्राइमरी फोकस हमेशा पेशेंट की बीमारी को ठीक करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करना। आज के कन्वेंशनल मेडिसिन में अक्सर सिम्टम को दबा दिया जाता है बिना रूट कॉज को ठीक किए, लेकिन होम्योपैथी का मकसद बीमारी के असल कारण को दूर करना है ताकि पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाए। चलो की पॉइंट्स देखते हैं इस अफोरिज्म का। पहला, डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। हनुमान ये कह रहे हैं कि डॉक्टर का सिर्फ एक मिशन होता है, हेल्थ को रिस्टोर करना, मतलब वापस से सेहत देना। सेकेंड वन, क्योर का मतलब। क्योर का मतलब सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं है, इसका मतलब है बीमारी को जड़ से मिटा देना ताकि पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल सेहत को पा सके। थर्ड वन, होलिस्टिक हीलिंग। हनुमान होलिस्टिक हीलिंग पर फोकस करते हैं, यानी पूरे व्यक्ति को ट्रीट करना, ना कि सिर्फ उसके सिम्टम्स को। इस अफोरिज्म से ये क्लियर होता है कि होम्योपैथी का पर्पस हमेशा लॉन्ग टर्म और परमानेंट क्योर प्रोवाइड करना है, और डॉक्टर को अपने पेशेंट की पूरी हेल्थ वापस लाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ दिखते हुए लक्षण मतलब सिम्टम्स को दबाने के लिए। इस तरह फर्स्ट अफोरिज्म ये बताता है कि डॉक्टर का मिशन सिर्फ बीमारी के सिम्टम को मैनेज करना नहीं, बल्कि असल में सेहत को वापस लाना है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।